मेन पार्टी जो शिमला ऑफ छत्तीसगढ़, क्या लगता है आपको? लेट्स फाइंड आउट। जस्ट लाइक द स्ट्रीट लाइट्स लिट दिस टाउन लाइक अ फायर इन अ ब्लेज गॉट टू बर्न इट डाउन कांट बी अफ्रेड टू लीव दिस आउट वी गॉट दिस फार डोंट नो हाउ गाइज वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल एंड हेल्दी। तो जैसा कि आपने क्लिप देखा, जी हाँ मैं मेन पार्ट आया हूँ। बहुत दिन हो गए थे लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया, बरसात में आना था, लेकिन कोई बात नहीं, ठंडी में भी यहाँ का सीन अलग ही कुछ होता है। और इधर शायद कार्निवल फेस्टिवल वगैरह चल रहा है एंड पार्टी वगैरह चल रहा है, उसको शायद अटेंड हम लोग ना करें। होप सो थोड़ा सा उसका आपको टीज़र दिखा सकते हैं शाम शाम को जो वो स्टार्ट होता है। आज 1 तारीख है, सो अभी हम लोग जस्ट पहुंचने वाले हैं एंड या वी आर गोइंग टू अपडेट यू फॉर फर्दर ट्रिप। अभी आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी बंद है, लेकिन आप देख सकते हैं ये ऊपर ऐसे ढलान है, लेकिन यहाँ कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स अलग ही वर्क करता है, तो गाड़ी हमारी खुद चल के जा रही है। देखो गाड़ी बंद है पूरा, आप देख सकते हैं। तो ऐसे हैं भाई उल्टा पानी के सीन्स। अभी हम आपको दिखाएंगे कि जो पानी है वो उल्टा जाता है, मतलब ढलान की ओर। तो जैसा कि आपने क्लिप देखा कि जो स्लोप है वो ऊपर जा रहा है, लेकिन पानी तब भी ऊपर जाता है। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं यही उल्टा पानी, यहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ अलग तरीके से फोर्स करता है। एज़ यू कैन सी ये पूरा ऐसे स्लोप आ रहा है और तब भी आप देख सकते हैं पानी उस तरफ जा रहा है। और अगर आपको अच्छे से दिखाऊँ तो वहाँ पर अच्छे से आपको दिखेगा। सो यही एक पॉइंट है जिसमें आप देख सकते हैं ये स्लोप है, ये ऊपर जा रहा है और यहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग ही कुछ काम करता है। एंड एज यू कैन सी वहाँ उस तरफ झरना भी है। सो ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे क्या क्या है मेन पार्ट में, ठीक है? So the first place I want to show you is Tiger Point, जो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास कैमरा और मोबाइल कुछ भी है तो उसे अच्छे से पकड़ें, यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं, वो आपका कैमरा और मोबाइल छीन के ले जा सकते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस मेरे दोस्त को हुआ है यहाँ। ये है टाइगर पॉइंट, ये आप देख सकते हैं। और इसे टाइगर पॉइंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत सालों पहले यहाँ टाइगर दिखा करते थे, जब ये सीढ़ी नहीं था
तो ऊपर से लोग टाइगर देखा करते थे यहाँ। सो दूर से कुछ ये ऐसा दिखता है। सो आई गेस दिस इज द राइट प्लेस टू शो यू अप दिस ब्यूटीफुल वाटरफॉल, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ऊपर से पानी गिर रहा है और इसी को टाइगर पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ बहुत सारी प्री वेडिंग शूट्स भी होती हैं और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ का जो क्लाइमेट है थोड़ा सा कोल्ड है और इसी के चलते जो मान के चलो आपको ये पहाड़ गीले गीले दिख रहे हैं उसी के चलते आपको ऐसा लगता है यहाँ कि आप एसी के अंदर हो। ठीक है, तो अच्छे से आपको लुक देता हूँ। तो ये देखिए, और यहाँ बहुत लोग हैं अभी। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। प्लीज भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ, देखो प्लीज आप वीडियो देखिए। That was scary. I guess मैं just गिरने वाला था। अभी मैं आया हूँ इस मंदिर में और यहाँ कोई नहीं है मेरे ख्याल से, ये पूरा बंद हुआ है। और मुझे सबसे अच्छा चीज़ क्या लगा मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ मुझे इस तरफ ये वाली चीज़ लगी है जो तिब्बतों का कुछ होता है, ये ऐसे मतलब हाथ रखने से कुछ ना कुछ होता है। भाई साहब, ये मंदिर का नाम क्या है? हाँ, बौद्ध मंदिर, तो इसे बौद्ध मंदिर बोलते हैं। और ये पूरा बंद है। ठीक है, तो मुझे ये वाली चीज़ बहुत अच्छी लगी, ये नहीं पता क्या चीज़ है लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी आपको सामने से दिखाता हूँ। और बौद्ध लोग का ये जो कपड़े में कुछ लिखा हुआ रहता है आप ये देख सकते हैं, तो ये इनका कुछ पवित्र निशानी होता है कि ये कपड़े में कुछ लिखना। और यू नो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो एक बार अच्छे से आपको दिखाता हूँ मैं पीछे क्या है। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो मंदिर है यहाँ पर है, लेकिन ये पूरा बंद है। तो महता पॉइंट, इसमें वहाँ से झील दिखता है। सो ये है महता पॉइंट। और इससे अच्छा व्यू अगर आपको देखना है तो थोड़े दूर जाएं और वहाँ जाके खड़े हों। यहाँ आने का पैसा भी लेते हैं तो कोई मतलब नहीं है ऐसा। ठीक है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं, इससे अच्छा व्यू मिलेगा आपको। सो शायद अब हम जा रहे हैं क्योंकि अब 5 बज गया है और फिश पॉइंट और दलदली पॉइंट हम आज नहीं चल पाए, लेकिन मैं 4 तारीख को बाइक राइड में आ रहा हूँ यहाँ, तो उसमें मैं आपको दिखा दूंगा अच्छे से। क्योंकि आज एक यू नो नॉलेज ले रहे थे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा यहाँ वहाँ है, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद आ रहा हूँ, कम से कम 3-4 साल बाद आ रहा हूँ, तो मुझे मैं सब रास्ता सब भूल गया हूँ और नए रास्ते बन गए हैं इधर उधर के। तो अभी मैं 4 तारीख को आऊँगा और 3 तारीख से कार्निवल भी स्टार्ट है। ठीक है, कार्निवल मतलब ये होता है कोई सिंगर्स वगैरह आते हैं और लेट नाइट पार्टीज होती हैं, एंड समझ गए होगे आप। ठीक है, सो चलते हैं अभी। शायद हम लोग अंबिकापुर जा रहे हैं तो वहाँ व्लॉग करूँगा तो कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो घर पहुँच के आपसे मिलते हैं। ठीक है, सो जो भी आपने देखा, मैंने अभी इसमें 3 चीज़ें नहीं दिखाया है, एक फिश पॉइंट है और एक दलदली पॉइंट है और एक और कोई चीज़ है। ठीक है, सो अब आपका ओपिनियन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपको सच में लगता है कि मतलब ये किसी तरह से दिखता है शिमला, यू नो
सो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड इसे शिमला इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ा हाइट में है, ठीक है, ये पहाड़ों में बसा हुआ है मेन पार्ट। एंड यहाँ तिब्बती लोग रहते हैं तो कुछ ना कुछ लॉजिक होगा यहाँ का। एंड अभी मैं मेन पार्ट राइड में जाने वाला हूँ तो वहाँ फिश पॉइंट और दलदली पॉइंट और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर हम करेंगे, लेकिन बाइक में जा रहा हूँ तो उसमें बहुत ही ज़्यादा ईजी पड़ेगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय, शुक्रिया फॉर वॉचिंग, शेयर जरूर करना इसको, ठीक है।